अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। डिसेंट ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको फिर से वेलकम शामदीद, नई में नई विश्लेषण के साथ। तो ईद गुजर चुकी है, ईद के लिए वीडियो बनाना मैं भूल गया था, भूल गया क्या था, मसरूफियात थी कुछ ऐसी, बस गुजर गई ईद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी और मेरी तरह नहीं गुजरी होगी। ठीक है, चले अल्लाह हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। और जो है चले, आज मैं आपको ये एक चीज लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, पेपर क्लॉथ का काम करते हैं, घरों में टाइलें वगैरह लगाते हैं, उसके लिए कुछ भी काम करते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल, बहुत सारी चीजों पे इस्तेमाल होने वाली ये चीज। ठीक है, ये इसकी जो है लेंथ जो है इसकी तकरीबन देखे हुए 2 फीट है। ठीक है, सॉरी, हाँ 2 फीट है। ठीक है, तो ये 2 फीट है, इसको बताता हूं मैं आपको क्या इसका कमाल है, बहुत जबरदस्त चीज है ये। ठीक है, आपको भी बाय करना चाहिए, फाइबर ग्लास का काम करते हैं तो आपको ये जरूर चाहिए होगी। ये किसके लिए यूज होती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि ऑल पे क्लिक करें। ठीक है, बेल के आइकन ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिल जाता है। ठीक है, कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो चले अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं जरा बैक कैमरा ऑन कर लूँ, आपको दिखाता हूँ ये किसके लिए जरूर होता है। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये देखें, ये जी हमें मंगवाया था हांगकांग से। ठीक है, चाइना से आता है ऐसे, हांगकांग से, वहाँ हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने बाई किया था, वहाँ पाकिस्तान में अब मिलता नहीं था, अब मिलने शुरू हो गया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी आ चुका है ये, उस वक्त नहीं था, 3 महीने पहले तकरीबन। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ ये किसके लिए यूज़ होता है। मैंने क्यों बोला कि फ़ाइबर ग्लास का काम करते हैं तो आप बोलेंगे यार फ़ाइबर ग्लास में इससे क्या क्या काम आ गया। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी अभी बताता हूँ। सॉरी, मिसाल के तौर पे मैं कोई भी पीस ले लेता हूँ। ठीक है, नहीं इस पे तो चलो आ जाएगा, इस पे तो चलो ये तो आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ों पे यूज़ होता है। मैं छोटी सी कोई एक ले लेता हूँ ये चीज़। ठीक है, इसको उठा लेता हूँ। अब ये देखें, अब ये जी हमारा पिलर। ठीक है, घरों में हम इस्तेमाल करते हैं जो ये है पिलर, अब इसको जो है फ्लंच लगाना, कई प्रोडक्ट पे ऊपर होता है जो हम तो नीचे से लगा लेते हैं, फ्लंच लग जाता है। ठीक है, कई ऐसी जगह पे होता है जैसे फ्लंच ऑलरेडी बना बनाया हमें मिल जाता है, यहाँ जो है हमें फ्लंच इसका लगाना पड़ता है। वो कैसे, बाजू का तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसको लटा के मसाल को तो इसको लटाते हैं, तो यहाँ से प्लास्टिक को पेरस होती है, वो पानी में जैसे मिक्स करके यहाँ तक इसको फिल कर देते हैं आधे को, यानी कि ये ऐसे खड़ा होता है ना ऐसे, इस तरह। ठीक है, ये जॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ जॉइंट तक आधा इसको फिल कर देते हैं इस, तो ठीक है इस तरह होता है ना ये ऐसे। ठीक है, तो इसको फिल करते हैं, फिर यहाँ से इसको फ्लंच बन जाता है। तो मैं भी आपको वीडियो में मेरी अक्सर देखा होगा, अब मैं फ्लंच लगा रहा होता हूँ, तो ये बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बहुत टाइम लगाता है हमारा, अब इसका कमाल दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये इस तरह हमने रखना है इसको, मेरा एक हाथ है, मैं अभी एक हाथ से कैसे बनाऊँ बताऊँ आपको, ये चेक कर लें। ठीक है, जैसे जैसे पुश करूंगा मैं इसको, ठीक है मेरा एक हाथ, मैं ट्राईपोर्ट पे लगा लेता हूँ यार, अच्छा रहेगा, ट्राईपोर्ट पे लगाता हूँ कैमरा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये मैं पाकिस्तान में 5,000 तक मिलता है मेरे ख्याल में, ये लेंथ का हिसाब होता है, कोई 5,000 कोई 6,000 इस तरह सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस मुझे कन्फर्म नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ताकि आप लोगों को इजी नजर आए। अब हमने क्या करना है, देखा जी यहाँ हमने फ्लंच लगाना है, ये देखिए कितनी छोटी छोटी बारीकी है इसमें। ठीक है, यहाँ से इसको फ्लंच काटना, ये वो बहुत रफड़ हो जाता था ऐसे 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 करना। अब हमने क्या करना है, इसको जनाब यहाँ रखना है, ऐसे रखना है इसको। ठीक है, यहाँ से इसको सबको पुश कर देना है यहाँ से। ठीक है, ये चेक करना, मैं आपको आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, कोई इसमें मैंने वो स्किप नहीं किया हुआ, कोई ऐसा वैसा काम नहीं मैंने किया। तो जी व्यूअर्स, ये चेक करें, ठीक हमारा फ्लंच जो है सेम टू सेम जैसे ये हमारा, ठीक है वैसे हमारा फ्लंच भी बन जाता है। अब हमें इसको क्या करना है, नीचे कोई गत्ता वगैरह लेके कुछ भी ऐसा लेके हमने जनाब इसको ऐसे रखना है नीचे। ठीक है, नीचे इसके रख के अपनी पेंसिल वगैरह के साथ ऐसे ले के इसको जो हमने
यहाँ से कटाई कर लेना है, ठीक है। ये कटाई करके फिर हम उसके साथ चिपका देंगे, बहुत ही जबरदस्त है। कोई मिसाल के तौर पर घरों में टाइलें वगैरह यूज करते हैं जो इस तरह की यानी के कटिंग वगैरह आ जाती है, वो भी सेम टू सेम इस तरह रखेंगे इसको, ठीक है। ये इस तरह रखेंगे, पीछे से पुश करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये सारा का सारा डिजाइन इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, सेम टू सेम, ये बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त, बहुत हमारा टाइम हो जाती है। अगर हम इसके ऊपर फ्रंच लगाते हैं ना, तकरीबन ये आधा घंटा या घंटा लगा देती है हमारे ऊपर, अगर फ्रंच लगाने बैठे तब भी। अगर हम प्लास्टिक को पैरस उसको पहले मिक्स करें, फिर इसके ऊपर लगाएं दोनों तरफ, ठीक है, इसको ऐसे पैकिंग दें, फिर खुश्क होती है, फिर भी घंटा लगा देती है। ये जो है हमारा 5 मिनट में हमारा ये फ्लंच दोनों तैयार हो जाएंगे, और जो है हमने इसको काट के इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चले जी, आप बाई करना चाहते हैं तो ये वो गूगल जो है ना, सॉरी दराज के ऊपर इसका प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब नाम मुझे फिलहाल इसका नहीं आ रहा, ये क्या चीज़ है, जो आप पूछेंगे तो तभी मैं सर्च करके इसके ऊपर रिलेटेड बता दूंगा आपको इसका नाम क्या है, ठीक है। ये तकरीबन 2 फीट की है, 20 इंच की है, सॉरी ये 20 इंच की है, ठीक है, 2 फुट की पूरी नहीं है। तो चले, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये गैजेट्स जो है पसंद आई होगी। आप भी बाय करना चाहते हैं तो दराज पे विजिट कर लें, वहाँ पड़ी है प्रोडक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।